जय श्री राम परमप्रिय मेरे भाई बहन, हाउ आर यू, केम छो, कैसे आप लोग? निश्चित अच्छे होंगे। शिवरात्रि में जिन लोगों ने सहयोग किया उन सबको हृदय से प्रणाम है। जिन लोगों ने लाइव देखा उनकी बात कहे नहीं क्या। जो लोग शामिल हो पाए किसी भी रूप में वो सभी पुण्यशाली, अथवा आप बाद में भी जो वीडियो देखेंगे वो लोग भी पुण्यशाली हैं। आज हम 25 मार्च 2021 को पड़ने वाली फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। इस बार 25 मार्च 2021 को प्राप्त हो रही है। हाँ, जो 25 मार्च को बहुत बिजी रहेंगे, ट्रेवल वगैरह में रहेंगे किसी कारण से, तो वो लोग 24 को भी व्रत कर सकते हैं, पर 25 को करना उत्तम रहेगा, क्योंकि उदया काल से लेकर के पूरा जो है हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और जो 24 को प्राप्त हो रहा है उसका दंड वगैरह भी जो जोर से गढ़ना उसमें ज्यादा है, वो उचित नहीं होता है। इसका पारण जो है, मतलब इस व्रत का पारण 26 को प्रातः 6:22 से लेकर के 8:22 तक के अंदर करना उचित है, कारणवश बाद में भी कर सकते हैं। जैसा कि नाम है आमल की एकादशी व्रत, तो आंवला के वृक्ष के नीचे हमें भगवान का पूजन करना चाहिए, वृक्ष का पूजन करना चाहिए, नहीं तो कम से कम अपने घर में प्लांट्स वगैरह आंवले का है तो उसके पास में भगवान का पूजन करें आचार्य ब्राह्मणों को बुला करके। ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्लांट्स है तो भगवान के पास रख लीजिए, वो भी नहीं करना है कोई बात नहीं है। भगवान को रोज से अधिक जो है स्नान कराना, पंचामृत इत्यादि से स्नान कराना, रोज एक तुलसी चढ़ाते उस दिन 11 चढ़ा दीजिए, 11 चढ़ाते हैं 21 तुलसी चढ़ा दीजिए, बढ़िया सब परिवार मिलकर के आरती संकीर्तन कीजिए, कोई विशेष कामना हो तो रात्रि जागरण कीजिए। लहसुन प्याज काना कुनरू चावल ये सब घर में बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। वृद्ध बीमार बालक को छोड़ करके बाकी लोगों को व्रत रहना चाहिए। व्रत का नियम वही है कि हम केवल जो है एक समय जल ले लें, अथवा दो समय जल ले लें, अथवा एक समय फलाहार ले लें, फल मतलब फल, अथवा दो समय ले लो भी बिना नमक का ले, नमक लेना तो सेंधा नमक ले लें। इसके बाद राजगीर का आटा और साबुदाने की खिचड़ी ये सब बकवास होता है, सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अगले दिन जैसा कि बताया हमें रात्रि जागरण के साथ में सीधा इच्छा निकाल कर पारण करना चाहिए। आंवला का जो वृक्ष है ये पूरा अमृत है, भगवान के मुखारविंद से एक बार एक बूंद जो है पृथ्वी पर गिरा और वो आंवले के वृक्ष के रूप में आया, जो हर जीव जंतु के लिए स्पेशली हम मनुष्यों के लिए बिल्कुल अमृत है। इसलिए कार्तिक महीने में एक माह पूरा आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का विधान है, तो इस व्रत का पूरा लाभ लीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, आजकल मैं क्षमा चाहता हूँ बहुत सारे कमेंट्स का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ दिन और लगेगा, बाकी मैं फिर रेगुलर हो जाऊंगा, फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में, जैसे कि आगे होली संबंधित अपडेट देने के लिए। जय श्री राम।